उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने 159 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है। सपा की इस नई लिस्ट में स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे का नाम नहीं है। वहीं रायबरेली की जिस ऊंचाहार सीट से मौर्य अपने बेटे या खुद के लिए टिकट मांग रहे थे, समाजवादी पार्टी ने वहां एक बार फिर मनोज पांडे पर ही भरोसा जताया है। 159 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में अखिलेश यादव का नाम सबसे ऊपर है। अखिलेश यादव करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद और जेल में बंद आजम खान को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि स्वार विधानसभा सीट से आजम के बेटे अब्दुल्ला को टिकट मिला है। वहीं चरथावल सीट से पंकज मलिक, नकुड़ से धर्मपाल सैनी और कैराना से गैंगस्टर नाहिद हसन को ही मैदान में उतारा गया है। नाहिद हसन गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद है। तमाम विरोध के बाद भी अखिलेश यादव का भरोसा गुंडों और मवालियों पर कायम है, इसीलिए गैंगस्टर नाहिद हसन का टिकट नहीं काटा गया है। जबकि उनकी उम्मीदवारी रद्द होने के डर से समाजवादी पार्टी ने उनकी बहन इकरा का भी नॉमिनेशन करवाया था। अखिलेश ने अपनी तरफ से देश के सबसे बड़े सूबे की जनता को साफ इशारा कर दिया है कि उनकी पार्टी मुस्लिम तुष्टिकरण और गुंडे मवालियों के साथ है। वहीं पहली सूची में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ उनके चाचा शिवपाल यादव का भी नाम है। शिवपाल जसवंत नगर से चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने हाल ही में पार्टी में शामिल हुए इमरान मसूद खेमे को भी कोई भाव न देते हुए सहारनपुर देहात से आशु मलिक को टिकट दिया है। वहीं मांट विधानसभा से संजय लाठर, बरेली कैंट से सुप्रिया एरन, घाटमपुर से भगवती सागर, तिंदवारी से ब्रजेश प्रजापति को उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी की अब तक 3 लिस्ट आ चुकी है और लगभग 200 से अधिक उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। खास बात यह है कि अपने बेटे के टिकट को लेकर भाजपा से अनबन कर बैठे स्वामी प्रसाद मौर्य को भी यहां कुछ भी हाथ नहीं लगा। उनकी स्थिति घर के ना घाट के वाली हो गई है। अब उनकी उम्मीद पूरी यूपी की पडरौना सीट पर है, जहां से मौर्य खुद विधायक है। अब या तो इस सीट से मौर्य को टिकट मिलेगा या फिर उनके बेटे को, दोनों को टिकट नहीं मिलना है, यह अब तय हो चुका है। वहीं मुस्लिम तुष्टिकरण को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विरोध झेल रही समाजवादी पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ा है। वो अब भी वही कर रही है जो करती आ रही थी। अब जनता को खुद ही सोचना है कि वो गुंडे मवालियों के साथ है या फिर साफ सुथरी सरकार चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।